एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। मेरी तो खुशी आप देख ही सकते हो मेरे चेहरे से। मैं तो खूब इंजॉय कर रही हूँ, खूब मस्ती हो रही है, खूब अच्छा अच्छा खाना खाने मिल रहा है घर आकर। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं अपने इन लॉज के घर कब जाऊँगी, तो मैं इन लॉज के घर सितंबर में जाने वाली हूँ। 2-3 दिन अपनी नानी के घर जाऊँगी, क्योंकि मेरी नानी का घर और मेरा इन लॉज का घर काफ़ी आस पास है। तो 2-3 दिन अपनी नानी के घर रुक के उसके बाद फिर मैं लखनऊ जाऊंगी अपने इन लॉज के पास। तो इन लॉज वाले व्लॉग्स भी आप देखेंगे बहुत ही जल्दी। और मैं भी एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, अपनी मम्मी को देखने के लिए, पापा को देखने के लिए, क्योंकि उन्हें देखे हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया, 2.5 साल हो गए उन्हें नहीं देखा है। तो येस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अपना घर आपको दिखाऊँगी, अपना रूम वहाँ पर आपको दिखाऊँगी। और आज मैं व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज़ मुझे सुबह सुबह एक सरप्राइज़ मिला। सुबह सुबह मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि वो आज घर आ रही है। उसने पूरा प्लान कर रखा था कि वो आज घर आएगी। तो मेरी वो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जब वो आएगी तो मैं आपको उससे मिलवाऊंगी भी। फिर मेरे कुछ और भी प्लान्स थे आज के, फिर मैंने कहा नहीं यार, सारे प्लान्स कैंसिल करो, आज अपनी फ्रेंड से मुझे मिलना ज़रूरी है। तो वो आने वाली है, इसीलिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। मैं बस अभी शावर लेके थोड़ा सा रेडी होकर आई हूँ। सिंपल सा ये कॉटन का मैंने सूट पहना है और आप देख सकते हो बिंदी शिंदी सब लगा रही हूँ आजकल मैं, क्योंकि ये यूएस में करने नहीं मिलता। तो जितने शौक होते हैं ना आपके एथनिक वेयर के, वो पूरे कर लेने चाहिए इंडिया आकर। तो मैं डेली इसी तरीके से मेरा ड्रेस रहता है। और अभी मैं मम्मी के रूम के बाहर बालकनी में बैठी हूँ, थोड़ी सी हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी हवा चलती है तो अच्छा लगता है। और ग्रीनरी है, और आप सब जानते हो मुझे ग्रीनरी कितनी पसंद है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊँगी कि किचन में क्या बन रहा है। आज थोड़ा सा स्पेशल हम प्लान कर रहे थे मेरी फ्रेंड के लिए, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आपसे मिलवाना था, जिसने आके मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। हाय, आई एम अदिति। हम लोग 11 साल से फ्रेंड्स हैं एंड वी आर स्टिल गोइंग सो स्ट्रॉन्ग। 3-4 दिन भी मेरी बात नहीं होती ना इससे, तो मुझे ऐसा हो जाता है कि क्यों नहीं हो रही बात कर मुझसे, बात कर। कई बार ये बिज़ी रहती है क्योंकि इसका वर्किंग शेड्यूल ऐसा रहता है कि ऑफिस का काम और ये सब रहता है। बट स्टिल हम लोग मैनेज करते हैं किसी भी तरीके से। शादी के बाद भी मैं मैनेज कर रही हूँ कि बात ज़रूर होनी चाहिए, राइट अदिति? यार और मतलब हर चीज़ मुझे इसके साथ शेयर करनी ही करनी होती है मेरी। मतलब कोई पॉजिटिव बात हो, कोई नेगेटिव बात हो, कुछ भी हो, मैं इसको ज़रूर बताती हूँ। हाँ। इसको बताने से ना मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ, मैंने किसी अपने फैमिली मेम्बर को बता दिया एंड शी इज़ देयर विद मी। अगर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ होगा तो ये हैंडल कर लेगी। हाँ बिल्कुल, मतलब इतना अभी इतनी दूर चली गई है प्रिया, बट स्टिल शी मेक्स इट अ पॉइंट कि हमेशा हम टच में रहें। और बहुत बिजी, चाहे ब्लॉग हो या चाहे कोई भी काम हो, अनिरुद्ध के साथ भी हो, बट शी ऑलवेज मेक्स पॉइंट टू बी इन टच। और नहीं, हम तो बहुत फ़ोन पे बात करते हैं। मतलब एक हफ्ते से तो मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था कि कब फ्राइडे आएगा, कब। इसके घर के सब लोगों को पता था कि मैं इंडिया आई हुई हूँ और ये आने वाली है, बस इसने मुझे नहीं बताया कि आने वाली है। और ये मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आई है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या बनाया आज। बाय। और ये देखिए, मम्मी ने आज बहुत ही यमी आलू स्टफ नान और दाल मखनी बनाई है। मेरी बहुत फेवरेट है दाल मखनी। और ये सब एड ऑन्स हैं। और दही पापड़ी भी थी जो बाद में आई थी, तो मैं उसको शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। आज दोपहर भर हम लोगों ने बहुत सारे गप्पे मारे, है ना? बहुत मस्ती की। मतलब जब फ़ोन पे हम बात करते थे ना, आमने सामने बात करने में तो मज़ा ही आ गया। हम लोग बहुत ये बहुत सारे जोक्स क्रैक करती है और मैं बहुत हंसती हूँ उसके जोक्स में। मतलब चाहे सेंसलेस जोक्स हो, बट मुझे बहुत हंसी आती है। तो हम लोगों ने वो कर लिया। और अभी मम्मी बना रही हैं आपे। मम्मी को दिखा दो, ये देखो, ये वेजिटेबल डम्पलिंग्स होते हैं, सूजी से बनते हैं। मैं भी अपने घर में आप लोगों के साथ शायद रेसिपी इसकी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये आपे अभी बन रहे हैं। ये मैंने इसीलिए आज सिलेक्ट किए थे क्योंकि अदिति को खाना ये बहुत पसंद था। जब मैं कॉलेज में लंच बॉक्स में लेके जाती थी तो मैं हमेशा इन लोगों का लंच खाती थी और ये लोग मेरा लंच खाते थे। तो मैंने सोचा चलो आज ये बनवाते हैं। और ये देखिए, मम्मी के हाथ की गर्मा गर्म आपे बहुत ही टेस्टी बनाए थे मम्मी ने। ये टेस्ट तो शायद मेरे हाथ से कभी भी नहीं आएगा। घर में अभी सब सो रहे थे, भाभी और दोनों बच्चे, हम ही तीनों जागे थे। तो खूब मस्ती कर रहे थे, टी टाइम एंजॉय कर रहे थे अपना। और अभी मेरे शादी से पहले के दिन डिस्कस हो रहे हैं और मम्मी बता रही हैं कि मैं कितनी ज़्यादा आलसी थी। तो वही सब बातें हो रही हैं, गपशप चल रही है। तो मेरी डियरेस्ट फ्रेंड अब जा रही है। बाय बाय, आई मिस यू। आई मिस यू टू। मैं ये व्लॉग पता नहीं कितनी बार देखूंगी यूएस जाके और इसको याद करूंगी मैं भी। तो चलो मैं अब आपको अपने गिफ्ट्स दिखाती हूँ। सबसे पहले ये टॉयज़ लेकर आई थी, ब्लॉक्स वाला टॉय है ये, मेरे भतीजे के लिए वो लेकर आई। इतना थॉटफुल था ना, मतलब कि वो खाली मेरे और मेरे बच्चे के लिए नहीं लेकर आई, वो मेरे भतीजे के लिए भी लेकर आई। तो ये एक ब्लॉक्स वाला टॉय है। आई एम श्योर दोनों बच्चे बहुत लड़ेंगे इस टॉय को खोलते ही। उसके बाद में अगर आपको अपना दिखाऊंगी कि वो मेरे लिए क्या लेकर आई है कि आप तो आप देखते ही रह जाओगे। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सूट लेकर आई है मेरे लिए। ये उसका फुलकारी दुपट्टा है, आई थिंक इसको फुलकारी बोलते हैं। कितना सुंदर इस पर कढ़ाई हुई हुई है। और ये सूट पीस है, ये देखिए, इसको मैं आज ही जाऊंगी बुटीक पे सिलने देने के लिए। मैं अपनी भाभी के साथ जाऊंगी जिससे कि ये फटाफट से बन के आए और इसका लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे बहुत प्यारा कलर है। देखिए, मुझे ऐसा कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पे ये कलर सूट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये है। और अभी मैं आपको गोविंद का गिफ्ट दिखाती हूँ। गोविंद के लिए वो लेकर आई है ये ब्यूटीफुल सी जैकेट। इस तरीके की जैकेट ना बच्चे पहन के बहुत क्यूट लगते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे को जब एथनिक पहनाना हो तो इस तरीके के कपड़े पहनाए जाएं। तो मैं अच्छा सा इसके लिए वाइट कुर्ता बनवाऊंगी गोविंद के लिए और उसके ऊपर ये जैकेट पहनाऊंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। अभी शाम का टाइम है और मैं और गोविंद मम्मी पापा के साथ बाहर आए हैं। एक्चुअली पापा के लिए कुछ शर्ट्स के फैब्रिक लेने थे तो सोचा मम्मी के साथ मैं भी चली जाऊँ। मेरे पापा बहुत ही सिंपल हैं, वो आज भी सिले हुए कपड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर रेडीमेड और वो इसी तरीके से कपड़ा लेके अपने शर्ट पैंट सिलवाते हैं। और शादी से पहले हमेशा मैं और मम्मी जाते थे पापा की शॉपिंग करने। मेरे पापा बहुत ही सिंपल हैं, उनको मम्मी जो सिलेक्ट करती हैं वही चीज़ें पसंद आ जाती हैं। तो सोचा चलो शादी के पहले के दिन थोड़े से याद किए जाएं और जाती हूँ मम्मी पापा के साथ पापा की शॉपिंग करने। मुझे एकदम वो चीज़ें याद आ रही थी, मेरी शादी के टाइम पे पापा के सारे जितने कपड़े हमने बनवाए थे वो मेरी और मम्मी की पसंद के थे। तो देखिए, हमने ये दो शर्ट पीसेस लिए हैं, एक ये ब्लू कलर का और एक ये चेक में लिया है लाइट कलर। और उसके बाद पापा गोविंद को अपने साथ अपनी शॉप पे ले गए और फिर हम बुटीक आए हैं। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जो मेरी फ्रेंड ने सूट दिया है उसे स्टिच कराने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज ही दे देते हैं जिससे कि ये फटाफट से बन के आ जाए। और फिर जब मैं लखनऊ जाऊँ अपने ससुराल तो इस सूट को लेकर जाऊँ और मैं वहाँ पे इसे ज़रूर पहनूँगी। तो मेरी भाभी ने काफ़ी सारे डिज़ाइंस वगैरह बताए थे स्लीव्स वगैरह के। एक्चुअली वो बहुत क्रिएटिव हैं डिज़ाइनिंग में कपड़ों की, तो उन्होंने काफ़ी सारे डिज़ाइंस बताए थे और हमने मास्टर जी को थोड़ा सा समझा दिया है, वो इसी तरीके से मेरे कपड़े बनाएंगे। और बस कपड़े वगैरह देने के बाद हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। मैंने सोचा ये क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या मौज चल रही है मेरी आजकल। खूब मस्ती से स्ट्रीट फूड खाया जा रहा है, कभी टिक्की, कभी गोलगप्पे, कभी दही सौंठ वाले गोलगप्पे। तो आज मैंने सूजी के पानी वाले गोलगप्पे खाए हैं। और ये क्लिप मेरी मम्मी ले रही थी तो थोड़ी सी ब्लर हो गई, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। उसके बाद हम एक और बुटीक आए हैं जहाँ पे प्लाजो सूट्स मिलते हैं। एक्चुअली मुझे अपने लिए कुछ प्लाजो सूट्स भी देखने थे तो सोचा चलो चले जाती हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग और कर लेती हूँ मम्मी के साथ। और उस टाइम पर जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो हमने गोविंद को भी ले लिया था पापा की शॉप से। काफ़ी सुंदर सुंदर प्लाजो सूट्स आजकल मिल रहे हैं, कितना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है प्लाजो का। एक्चुअली इंडियन फैशन का मुझे बहुत कम पता चल पाता है, इसीलिए मम्मी और भाभी बहुत बेस्ट रहते हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए। तो हमेशा मैं उनको लेके जाती हूँ अपनी शॉपिंग के लिए अब। और फाइनली मुझे ये वाला प्लाजो सूट सबसे ज़्यादा पसंद आया। कलर भी इसका काफ़ी यूनिक सा मुझे लगा और फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आ रही थी। डार्क ग्रीन कलर का है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका लुक मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और इसी के साथ मैं ये वाला ब्लॉग यहाँ एंड करती हूँ। होप करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा मेरे डेली अपडेट्स के लिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर से मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।